नमस्ते, मैं सुनीता। और जैसा कि आपको सबको पता ही है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन क्लासों में जैसे कि अपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी के बारे में पढ़े, लेकिन हमें ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जाना है, हमें सिर्फ हमारे सब्जेक्ट पर फोकस डालना है। तो जैसे कि अनिवार्य हिंदी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो अनिवार्य हिंदी में मैंने जैसे कि आपको अलंकार भी पढ़ाए हैं, उसमें क्रिया भी पढ़ाई हैं और पद परिचय भी पढ़ाए हैं और भाषा लिपि इनके बारे में पढ़ाया गया, सब ऑनलाइन क्लास में दिया है। तो अब मैंने ये सोचा कि एक एक करके हम अगर बुक्स का एक एक लेसन लें, और लेसन में मान लो जैसे कि हमने किसी का साहित्य परिचय ले लिया, किसी की दोहे ले लिए ऐसे, तो अब हम जैसे कि मान लो एक एक कवि के अगर बारे में पढ़ते हैं तो हमारे 4 नंबर तो पक्के हो ही जाते हैं। 4 नंबर पक्के का मतलब ये हो जाता है जिसमें कि अगर डेली अगर हम जैसे छोटे बच्चे पहाड़े गिनती याद करते हैं, उसी प्रकार से एक डेली का एक साहित्य परिचय अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पहले एक कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया, तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे लेखक परिचय भी हैं, कवि परिचय भी है। तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं, तो हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, और अब हम जो पढ़ेंगे वो है तुलसीदास जी। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी, ठीक है। और तुलसीदास जी के हम जीवन परिचय और साहित्य परिचय, यानी हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, तुलसीदास जी जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में जन्मे हुए, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में जन्म हुआ है। और इनका जो बचपन से जो इनका जीवन था वो अत्यंत कठिनाइयों के साथ में गुजरा है, यानी इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ में ही है। और कहा जाता है कि कष्टों के दौर से गुजर कर, यानी कह रहे हैं कि कष्टों के मतलब उनका जो जिंदगी थी बचपन से जो था वो कष्टों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उन कष्टों से भर के ही यानी एक समाज सुधारक बने थे। तो यानी उन्होंने उनके एक गुरु थे नरहरायण दास, जो एक सनातन से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और वह उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके समाज को समाज सुधारक के आगे बढ़े थे। और कहा जाता है कि उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था रत्नावली, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम रत्नावली था, उनका उनसे बहुत स्नेह था। यानी कहा जाता है कि ये उन्होंने ज्ञान जब अर्जित कर लिया था, लेकिन ज्ञान अर्जित करके उन्होंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया और घर बैठे ही रहते थे। यानी किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां मतलब कही हुई बात है कि जब वो घर ही बैठे रहते थे और मतलब गुजारा कैसे चलेगा, वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो ये कह रहे हैं कि एक दिन वो बैठे हुए थे और रत्नावली ने उन्हें कह दिया, रत्नावली को भी गुस्सा आ गया कि जब इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है तो इस ज्ञान का क्यों ना फायदा उठा लेंगे। और उन्होंने ज्ञान का फायदा न उठाने की वजह से रत्नावली को गुस्सा आ गया, और वो उन्होंने तुलसीदास जी को उत्प्रेरित करने के लिए उन्होंने उन्हें कुछ न कुछ ऐसा कह दिया। यानी कह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने कही, यानी रत्नावली ने जो बातें कही वो तुलसीदास जी के हृदय पर लगी, और हृदय यानी उनके हृदय में सब प्रेम जागृत हो गया। और उन्हें मतलब जो ज्ञान था उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो तुमने ज्ञान हासिल कर रखा है उस ज्ञान का कोई फायदा उठाओ। और उन्हें रत्नावली ने उन्हें खूब समझाया और कह रहे हैं कि जो उनके रत्नावली के द्वारा जो उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में जो सप्रेम था वो जागृत हो गया। और तुलसीदास जी जो थे वह घर छोड़कर चले गए और उन्होंने ज्ञान को अर्जित करना स्टार्ट कर। तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी जो थे वह उन्होंने क्या किया कि घर छोड़कर चले गए, और वहां जाकर उन्होंने तुलसीदास ने अवधि तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। यानी तुलसीदास जी ने जब अपनी पत्नी के द्वारा बोले गए वचनों के वजह से उनके जो मन में जो ज्ञान था वो वापिस से क्या हो गया, सब प्रेम जागृत हो गया, इसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। मोह कहा जाता है कि मोह माया इस प्रकार की होती है, मोह माया में जो एक बार व्यक्ति फंस जाता है वो नहीं निकल पाता है, इसलिए हमें हाँ मोह माया
रखनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि व्यक्ति उसमें डूबता ही चला जाए, मोह माया में इतना भी व्यक्ति को नहीं डूबना चाहिए। तो पत्नी के द्वारा कहे गए वचनों के द्वारा उन्होंने जब घर छोड़कर ज्ञान को अर्जित करने गए, तो कहते हैं कि वह तुलसीदास जी ने वहां जाकर अवधि तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की क्या की, उन्होंने रचना की। उन्होंने रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है, यानी उन्होंने सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा था वह था रामचरितमानस। वैसे अन्य ग्रंथ भी है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, भैरव रामायण है तथा रामलला नेहचू प्रमुख ग्रंथ थे। यानी कह रहे हैं कि तुलसी के काम में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, यानी तुलसीदास जी जो थे तुलसी के काव्य में समन्वय की भावनाएं सर्वोपरि थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की, उन्होंने अपनी रचनाओं से इस समाज में आदर्श समाज की कल्पना की थी तथा तुलसीदास का काव्य भारतीय समाज का आदर्श तथा पथ प्रदर्शक बना। यानी कह रहे तुलसीदास का जो काव्य था वो भारतीय समाज के अंदर आदर्श तथा पथ प्रदर्शक बना तथा तुलसीदास ने अपनी पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं तथा यानी कह रहे हैं कि अपने अंदर काम क्रोध आदि को आदि दुर्गुणों से दूर रहना उन्होंने सीखा है। यानी कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर काम माया मोह इस प्रकार से रहेंगे तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए समाज में अगर हमें कुछ करना है तो अपने मन के अंदर काम क्रोध माया मोह ऐसी चीजों से हमें क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने काव्य में सबसे ज्यादा उन्होंने ये कहा है कि काम क्रोध माया आदि ऐसे दुर्गुण जो हमारे गुण अंदर है उनसे हमें क्या हो जाना चाहिए, दूर होना चाहिए। तभी मानव जीवन की सार्थकता परमात्मा है, यानी तभी मानव जीवन को समाज में कर सकता है, वरना इस समाज में अगर वो डूबा रहा तो इस समाज में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर जो दुर्गुण भरे हुए हैं, जो इस प्रकार से दुर्गुण भरे हुए हैं उन सब से निकल कर हमें क्या करना चाहिए, बाहर आना चाहिए, तभी हम एक सशक्त और अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। यानी और मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा व बुरी संगति से बुरा बन जाता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे बन जाते हैं, और अगर हम अच्छे होते हुए भी अगर बुरी संगति में जाते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। यानी कोई कहानी आपने सुनी होगी, यानी कह रहे हैं कि बहुत सारे एक अनार की टोकरी होती है अपनी, है ना, अच्छे अनार होते हैं, लेकिन उसमें एक सड़ा हुआ सा अनार लाके हम रख देते हैं तो सारे अनार को भी वो क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो उसी प्रकार से ये कि अगर हम एक अच्छी संगति में बैठेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे, लेकिन अगर हम गलत संगति में अगर जाएंगे तो हम गलत संगति में पड़ जाएंगे। इसलिए यही कहा गया है कि हमें मनुष्य में एक अच्छी संगति होनी चाहिए, ये नहीं कि बुरी संगति में पड़कर हम बुरे। आप जिस समाज में जाओ अच्छी संगति से जाओ तो किसी दूसरे को भी एक अच्छा बना दो। यानी सबसे क्या होना चाहिए, हिलमिल कर रहना चाहिए तथा और हमें वक्त प्रतिकूल मौन रहना चाहिए, जहां पर हमें नहीं बोलना चाहिए वहां चुप रहना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए, और जहां पर वक्त हो सही उसी समय हमें बोलना चाहिए। यानी ये कहा गया है कि अगर मान लो कि मैं करते रहते हैं, हम भीड़ में अगर हम उछलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं तो अधछल गगरी छलकत जाए के समान हो जाती है। यानी जहां पर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है और जहां पर हमें नहीं बोलना चाहिए वहां हमें मौन रहना ही सबसे अच्छा रहता है। तो ये बात उन्होंने यही कहा है कि प्रतिकूल यानी समय को देखकर ही हमें मौन रहना चाहिए और समय को देखकर ही हमें बोलना चाहिए। बुरे समय में धीरज, बुरा समय अगर आ जाता है तो हमारे अंदर धैर्य रखना चाहिए, धर्म विवेक रखना चाहिए, साहित्य साहस सत्य व्रत व परमात्मा में हमें भरोसा रखना चाहिए। अगर बुरा समय आ जाता है हमें धैर्य रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, सत्य व्रत व परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। बुरे वक्त पर हमें हाहाकार मचाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उस परमात्मा पर अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमारा बुरा वक्त भी अच्छा आ जाएगा। कि अगर यानी तुलसीदास जी कहते कि बुरा वक्त है और हम हाहाकार मचाने लग जाते हैं कि हमें हमारा बुरा वक्त है, तो यहाँ तुलसीदास ने यही कहा है कि अगर मन के अंदर अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और विवेक रखेंगे, धैर्य रखेंगे, यानी धैर्य से किया हुआ काम हमेशा सही होता है, तो इसलिए कहते हैं कि धैर्य रखते हैं तो हमारा काम ईश्वर के भरोसे सही हो जाता है, यानी ईश्वर पर भरोसा रखा जाता है। तो देखो हम तुलसीदास के बारे में मैंने ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है, अब हम आपको
तुलसीदास के देखो काल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी भाषा क्या थी, काव्य क्या है, छंद कौन सा है, गुण कौन सा है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखो काव्य की बात आती है कि तुलसीदास जी का जो काव्य था वो कौन सा था, यानी काव्य जो था वो कौन सा था, तो हम लिखेंगे सगुण, सगुण काव्य था। और ये काव्य कौन सा कहलाता है, राम भक्ति का, इनका जो था सगुण और राम भक्ति का इनका काव्य कहलाता है। और काल जो था, काल कौन सा था, भक्ति काल, इनका काल कौन सा था, काव्य तो सगुण था है ना, और सगुण था और राम भक्ति का था, और काल जो था इनका भक्ति काल था। भाषा इनकी कौन सी थी, ब्रज भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, ब्रज भाषा थी, भाषा कौन सी थी इनकी, ब्रज भाषा थी, यानी अवधि भी थी, अवधि और ब्रज दोनों ही थे। छंद इनके कौन से थे, दोहा छंद, छंद इनके कौन से हैं, दोहा। देखो भाषा अवधि भी है ब्रज, लेकिन ज्यादातर इनकी ब्रज भाषा ही है, तो हम उसे ब्रज भाषा ही मानेंगे। और गुण जो था, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, और रस जो था वह था शांत रस, शांत रस। तो देखो काव्य जो था इनका वह था सगुण यानी राम भक्ति का था, काल था भक्ति काल का था, भाषा इनकी ब्रज थी, छंद इनका दोहा था, गुण इनका प्रसाद गुण है, और रस शांत रस। ये तो इनकी थोड़ी सी जानकारी दी गई कि काव्य, काल, भाषा, छंद, गुण, रस, ये इनके थे। तो इनमें यहाँ पे भी दिया गया है वो तुलसीदास जी जो थे वह राम के परम भक्त थे, यानी ये किसके भक्त थे, श्री राम के भक्त माने जाते हैं। तो यहाँ इनको राम भक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राम की भक्ति में लीन थे तुलसीदास। और इनका काव्य और काल, भाषा, छंद, गुण और रस, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इनमें इनका रस कौन सा है, गुण कौन सा है। तो ये चीज थी। अब हम पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। ये इतना तो मैंने थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बताया है। अब देखो तुलसीदास के जीवन परिचय, जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म के बारे में पढ़ेंगे हम। जन्म यानी तुलसीदास का जन्म, मृत्यु, ये सब पढ़ेंगे। तो जन्म तो है सन 1532, जन्म है सन 1532 ईस्वी, और मृत्यु यानी जन्म तो इनकी कौन सी है 1500 ईस्वी, और मृत्यु है सन 1623, सन 1623 ठीक है। जन्म के बाद में हम पढ़ेंगे स्थान, यानी देखो जन्म तो हमने पढ़ लिया कि 1532 ईस्वी में हुआ था, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंदर इनका क्या हुआ, बांदा जिले के राजपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था, राजपुर गांव। ये तो क्या हो गया स्थान इनका, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ था। और तुलसीदास का जो बचपन था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों में बीता गया था। और यहाँ इनकी पत्नी जो थी वो कौन थी, रत्नावली है ना, क्योंकि इसमें पत्नी का बहुत ज्यादा इसमें वर्णन किया गया है। और भाषा अगर हम कहें तो हम यहाँ ब्रज एवं अवधि भी लिख देते हैं क्योंकि दोनों मिक्स में है, यानी भाषा इनकी ब्रज और अवधि भाषा दोनों इसमें दी गई है। और तुलसीदास जो थे इनका जीवन मतलब अनेक कष्टों के साथ में गुजरा हुआ था। और इन्हें क्या कहा जाता है, ये भक्त किसके थे, तुलसीदास राम भक्त थे, क्या थे ये, राम भक्त थे। और यहाँ अगर देखें तो इन्होंने सबसे पहले जो थी वो रामचरितमानस की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी, यानी इनका जो दोहा था वो इनका कौन सा था, रामचरित
मानस था, और इनका अगर गुरुदेव, इनके गुरु भी हैं बाबा नर हरिदास, ये इनके क्या थे, गुरु थे। इन्हीं के द्वारा इन्होंने आगे ज्ञान, इन्होंने क्या किया था, ज्ञान अर्जित किया था। तो अब हम, ये तो आपको इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया, अब हम इनके साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया और क्या नहीं किया। तो देखो, साहित्य परिचय के बारे में आपको बताते हैं। तो देखो, तुलसीदास का अगर साहित्य परिचय लिखते हैं तो साहित्य परिचय में भी हम क्या लिखेंगे, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ, है ना। कि हम साहित्य परिचय कर रहे हैं तो साहित्य परिचय में जन्म मृत्यु ये नहीं आती, क्योंकि ये तो किस में आ जाती है, जीवन परिचय में आ जाती है। तो यहाँ हमने तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुरा गांव में हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जो थे, इनके माता पिता, पिता तो थे आत्माराम दुबे और माता जो थी वह कौन सी थी, तुलसी था। इनका सारा जीवन राम भक्ति में समर्पित था, यानी कहते हैं कि इनका जीवन राम भक्ति में ही समर्पित था। यानी इन्होंने सारी पूरी जिंदगी किसकी भक्ति में निकाल दी, राम की भक्ति में निकाल दी। यानी कह रहे हैं कि इनकी जो पूरी भक्ति जो थी वो किसमें थी, राम की ही भक्ति में समर्पित थी। तो ये तो था इनके बारे में कि राम भक्ति में समर्पित है। इन्होंने अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की, इन्होंने कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की रचना की यानी कह रहे कि उन्होंने कई ऐसे ग्रंथ थे उनकी क्या की, उन्होंने रचना की। तथा कह रहे कि अवधी भाषा का परिष्कार किया इन्होंने। तुलसीदास अपने समय का समन्वय और लोक नायक कहा जाता है। यानी कह रहे हैं तुलसीदास अपने समय के समन्वयकर्ता एवं लोक नायक माना जाता था। यानी तुलसीदास जो थे अपने समय में, यानी इस पूरे लोक नायक माने जाते थे। इन्होंने अवधी भाषा का परिष्कार किया था, और ये भी कहा जाता है कि इनकी कृतियों में विविध आदर्शों की स्थापना है। यानी इनकी जो रचनाएं थी उनमें विविध आदर्श की जो स्थापना होनी चाहिए थी वो थी। तथा इन्होंने लोक मंगल का संदेश हुआ है, तथा इन्होंने क्या है, लोगों की मंगल कामना के लिए इन्होंने संदेश दिया है। तथा कह रहे कि तुलसीदास काव्य का भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक कहा जाता है। यानी तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक था। यानी कह रहे हैं कि तुलसीदास समाज के आदर्श पथ प्रदर्शक थे।
पत्र प्रदर्शक थे, यानी ये तो इनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी गई कि ये मतलब क्या थे क्या नहीं थे, और इन्होंने अपने इसी मतलब साहित्य परिचय में इन्होंने तुलसीदास ने यही कहा है कि समाज के अंदर अगर लोगों को रहना है तो काम क्रोध मोह माया त्याग इनको हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये हमें समाज से निकलने नहीं देता, ये हमें वापस समाज में क्या करता है, डुबो ही देता है। इसलिए तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको बताया कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ है। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम मुंशी देवी था। इनका जीवन राम भक्ति में ही समर्पित था। इन्होंने कई उत्कर्ष ग्रंथों की रचना की है। तुलसीदास अपने समय के समन्वयकर्ता एवं लोक नायक माने जाते हैं। तुलसीदास समाज के आदर्शक पत्र प्रदर्शक थे। तो देखो इनकी रचनाएं थी, इनकी रचनाओं में थी, सबसे पहले इन्होंने जो रचना लिखी थी, यहाँ आपको बता देती हूँ कि इनका जो कीर्ति, इन्हें जो कीर्ति स्थापित की थी वो सबसे पहले इन्होंने कौन सी, इनका सबसे जो ग्रंथ था, तुलसीदास ने अवधी भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ लिखूं, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। लेकिन एक इनको कहा जाता है कि रामचरित्र मानस ये इनका सबसे महत्वपूर्ण, यानी इनकी जो कीर्ति स्थापित की गई थी वो इनकी कौन से ग्रंथ हुई थी, रामचरित्र मानस जो ग्रंथ था इसी से इन्हें क्या हुई थी, कीर्ति स्थापित किया था तथा कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है रामचरितमानस। इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है, यानी आधार ग्रंथ जो है इनका, यानी जो इनको कीर्ति स्थापित की गई थी वो इनको सबसे पहला जो ग्रंथ था वो कौन सा था, रामचरितमानस था। इसके वजह से इन्हें क्या हुई थी, उन्हें कीर्ति स्थापित की थी। वैसे इनके और भी बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका कवितावली दोहावली है ना, विनय पत्रिका कवितावली दोहावली और गीतावली कृष्ण गीतावली रामलला नेहजू आदि, ये सारे इनके क्या थे, प्रसिद्ध ग्रंथ थे। यानी इन्हें कीर्ति जो स्थापित की थी वो तो रामचरितमानस के द्वारा इन्हें कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इनकी जो सर्वप्रथम जो कीर्ति स्थापित की थी वो रामचरितमानस के द्वारा थी। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पत्रिका कवितावली दोहावली गीतावली कृष्ण गीतावली रामलला नेहजू आदि, तो ये तुलसीदास की पूरी जो भक्ति काल था उस भक्ति काल के अंदर जो जो इनके कार्य थे वो सारे इसमें आपको मैंने बता दिए हैं।